क्या कोई हिंदू रहकर भी यीशु मसीह के वचनों पर चल सकता है? सबसे पहले तो मैं उस हिंदू भाई का धन्यवाद करता हूँ जिसने हमारे चैनल पर खुले मन से मुझसे ये सवाल पूछा। मेरे लिए ये सवाल बहुत महत्व रखता है, इसलिए मैं संदेश के द्वारा उस हिंदू भाई को उत्तर देना चाहता हूँ। मैं संदेश को यीशु और एक हिंदू के बीच में एक काल्पनिक वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि ये विषय आसानी से समझ आ जाए। एक हिंदू जिसका नाम मोहन है, वो यीशु से मिलने आता है और कहता है, यीशु, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मुझे आपकी शिक्षाएं बहुत अच्छी लगती हैं। यीशु, कौन सी शिक्षाएं मोहन? मोहन, वही जैसा आपने सिखाया लूका 6:27-29 में, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरा चोगा छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। फिर आपने कहा मत्ती 22:39 में, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख इत्यादि। यीशु मुस्कुराते हुए, मोहन, ऐसा लगता है तुम मेरे वचन बाइबल को ध्यान से पढ़ते हो। मोहन, देखिए मैं बहुत गहराई से तो अध्ययन नहीं करता, लेकिन जब कभी समय मिलता है तो थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। फिर मेरा एक दोस्त है जो मुझे आपके बारे में बताता रहता है। यीशु, अच्छी बात है मोहन, अब ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? मोहन, यीशु, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आपकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुआ हूँ और उन पर चलना चाहता हूँ, बल्कि मैं तो सोचता हूँ हर मनुष्य को आपकी शिक्षाओं पर चलना चाहिए। आप सच्ची इंसानियत की शिक्षा देते हैं, लेकिन साथ साथ मैं ये भी सोचता हूं कि आपकी शिक्षाओं पर चलने के लिए मुझे धर्म परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता है? क्या मैं जीवन भर एक हिंदू रहकर आपकी शिक्षाओं पर नहीं चल सकता? यीशु, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने मोहन। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है, लेकिन वे पूछते नहीं है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। मान लो एक हिंदू स्त्री अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद लेकर पालने लग जाती है। अनाथ आश्रम वालों को उस बच्चे का धर्म नहीं मालूम था, क्योंकि उस 2 महीने के बच्चे को कोई रात के अंधेरे में वहां छोड़ गया था। लेकिन सच तो यह है कि वो एक मुस्लिम परिवार से था। अब वो हिंदू स्त्री उसे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पालती है। वो उसे हिंदू धर्म के सभी भगवानों और सभी धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में सिखाती है। तो बताओ उस बच्चे का धर्म कौन सा हुआ? मोहन कुछ सोचता है, फिर जवाब देता है, मैं समझता हूं उस बच्चे का धर्म तो हिंदू ही हुआ। यीशु, इसका मतलब तो यह हुआ कि किसी भी बच्चे का जन्म से तो कोई धर्म नहीं होता, बल्कि जिस परिवार में वो पाला जाता है वही उसका धर्म बन जाता है, क्यों? मोहन, हां आपकी ये बात ठीक लग रही है। यीशु, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर इस नजरिए से देखा जाए तो हर बच्चे का धर्म परिवर्तन तो बचपन में ही कर दिया जाता है, क्योंकि उसे बड़े होकर स्वयं से अपना धर्म चुनने का तो कोई मौका ही नहीं मिलता, और अगर वो बड़ा होकर अपना धर्म बदलना चाहे तो उसका परिवार और समाज उसका विरोध करते हैं। यीशु की इस बात पर मोहन फिर सोच में पड़ जाते हैं। यीशु, मोहन मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हें गोद नहीं लिया गया? हो सकता है कि तुम किसी दूसरे धर्म के हो, क्योंकि आमतौर पर तो कोई माँ अपने बच्चे को यह बात बताती नहीं है। आज ऐसी बहुत सी माएँ हैं जिन्होंने गोद लिए हुए बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही पाला है जीवन भर। मोहन, यीशु, मुझे आपकी बात कुछ कुछ समझ आ रही है, लेकिन इसमें क्या बुराई है कि जिस बच्चे को जिस भी धर्म में पाला गया हो वो उसी धर्म में रहे, उसे धर्म बदलने की क्या जरूरत है? यीशु, इस बात का उत्तर देने से पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर कोई अपनी इच्छा से अपना धर्म बदलना चाहे तो उसमें क्या बुराई है? क्या उसे अपना धर्म बदलने की स्वतंत्रता नहीं है? मोहन थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, देखिए अगर कोई सोच समझकर स्वयं अपना धर्म बदलना चाहे तो उसमें तो कोई बुराई नहीं दिखती मुझे।
यीशु, ठीक इसी तरह जब कोई हिंदू धर्म छोड़कर मेरा अनुयायी बन जाता है तो उसमें हिंदुओं को इतनी आपत्ति क्यों होती है? मोहन, अगर कोई अपनी इच्छा से हिंदू धर्म को छोड़ना चाहता है तो उसे कौन रोक सकता है? हमारा संविधान तो इसकी इजाजत भी देता है। यीशु, मोहन, तुम एक ईमानदार और सच्चे मन के मनुष्य हो, इसलिए मेरी इन बातों को समझ पा रहे हो। तो अब मैं तुम्हारी उस बात का जवाब देता हूं कि अगर कोई बच्चा उसी धर्म में रहे जिसमें उसे पाला गया है तो उसमें क्या बुराई है? मोहन, हाँ कृपया समझाइए मुझे, उसमें क्या बुराई है? यीशु, मोहन ये बताओ कि तुम्हारे लिए धर्म की परिभाषा क्या है? इस बात पर मोहन फिर सोच में पड़ जाता है, फिर कहता है, सच तो यह है कि अब तक तो मैं यही सोचता था कि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूं तो मैं एक हिंदू हूं, लेकिन आज आपने मुझे सिखाया कि किसी का भी जन्म से कोई धर्म नहीं होता और यह बात मुझे ठीक भी लग रही है। तो अब तो मैं यही कहूंगा कि मेरे लिए धर्म का मतलब है कि मुझे अपने भगवानों पर विश्वास है कि वे मेरा भला ही करेंगे। इसी विश्वास से मैं कभी कभी पूजा पाठ करने के लिए मंदिर चला जाता हूं। देखो मैंने हाथ में यह धागा भी बांधा हुआ है। इसके अलावा मुझे हिंदू धर्म की शिक्षाओं पर भी पूरा विश्वास है कि वे मानव जाति के लिए लाभकारी हैं। यीशु, कौन सी शिक्षाएं मोहन? मोहन, शिक्षाएं तो बहुत सी हैं जो हमारे ग्रंथों और शास्त्रों में लिखी हुई हैं। यीशु, क्या तुम पूरे विश्वास के साथ ही कह सकते हो कि तुम्हें अपने शास्त्रों की शिक्षाओं पर पूरा भरोसा है? क्या तुमने वेदों का अध्ययन किया है, उपनिषद पढ़े हैं, भविष्य पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में झांक कर देखा है? क्या तुम्हें मालूम है कि रामायण और महाभारत में क्या लिखा है? क्या तुम बता सकते हो कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, मृत्यु, कर्म और भक्ति के विषय में क्या समझाया था? क्या तुम्हें मोक्ष का सही अर्थ पता है? मोहन, आपने तो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने अपने जीवन से कभी इतना समय नहीं निकाला कि अपने शास्त्रों का ठीक से अध्ययन कर सकूं। मैंने तो बस थोड़ा बहुत यहां वहां से पढ़ा है या फिर लोगों से थोड़ा बहुत सुना है। कभी कभी मैं अपनी माँ के साथ किसी सत्संग में चला जाता हूं और वहां किसी पंडित या किसी गुरु के मुख से कुछ बातें सुन लेता हूं, बस इतना ही। यीशु, मोहन ये बताओ किसी भी धर्म में शास्त्र किस लिए होते हैं? मोहन, मुझे लगता है कि शास्त्रों में उस धर्म की शिक्षाएं होती हैं जो जीवन, मृत्यु और लोक परलोक का ज्ञान देती हैं ताकि मनुष्य परमात्मा से जुड़ सके और उसके बताए मार्ग पर चल सके। यीशु, अगर ऐसा है तो फिर बिना शास्त्रों का ज्ञान पाए कोई भी परमात्मा की इच्छा पर कैसे चल पाएगा? मोहन, ठीक कह रहे हैं आप, नहीं चल पाएगा। यीशु, तो क्या ऐसे हिंदू को सही अर्थों में एक सच्चा हिंदू कहा जा सकता है जिसे अपने शास्त्रों का ज्ञान ना हो? मोहन को सोचते हुए कहता है, शायद आप ठीक कह रहे हैं, एक सच्चे हिंदू को अपने शास्त्रों के साथ समय बिताना चाहिए और उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो उनके आधार पर चल सके। यीशु, तो अब तुम अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, क्या तुम अपने आप को एक सच्चा हिंदू कह सकते हो? मोहन, यीशु, देखिए आपकी बातें सुनकर अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो मैं नहीं कह सकता कि मैं एक सच्चा हिंदू हूं। मेरा हिंदुत्व तो सिर्फ कुछ रीति रिवाजों, कुछ त्योहारों और उपवास इत्यादि पर ही टिका हुआ है। बस मन में एक विश्वास लेकर चलता हूं कि मेरे भगवान मेरा भला ही करेंगे, लेकिन मैंने गंभीरता से अपने शास्त्रों का ज्ञान पाने की कोशिश कभी भी नहीं की। यीशु, जानते हो तुमने कोशिश क्यों नहीं की? मोहन, क्यों? यीशु, क्योंकि अपने भगवान के प्रति तुम्हारा जो विश्वास है वो केवल भावनात्मक है, जिसमें सत्य कम और भावनाएं अधिक है, और आमतौर पर भावनाएं सत्य को दबा देती,
तुम्हारे भगवानों में तुम्हारी अधिक रुचि नहीं है। अगर रुचि होती तो तुम उनकी सच्चाई के विषय में अपने शास्त्रों में ढूंढते। मोहन, चलिए मैं मानता हूं कि मैंने अपने शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि सारे क्रिश्चियंस बाइबल पढ़ते हैं और उसके आधार पर ही चलते हैं? यीशु, ये एक अच्छा सवाल है। जैसे हिंदू धर्म में हर कोई जो अपने को हिंदू कहता है जरूरी नहीं कि वो एक सच्चा हिंदू हो, ठीक उसी तरह हर कोई जो अपने को क्रिश्चियन कहता है जरूरी नहीं कि वो सही अर्थों में क्रिश्चियन हो। अगर कोई चर्च जाता हो या गले में क्रॉस लटका ले या बड़े बड़े चर्च बनाकर उनमें मेरी मूर्ति लगा ले या मोमबत्ती जलाकर मुझसे प्रार्थना करे तो जरूरी नहीं कि वे मेरे अनुयायी हों। आज विश्व भर में लोगों ने मेरे नाम से बड़े बड़े धर्म खड़े कर लिए जिनको आम जनता क्रिश्चियन धर्म समझती है, पर सच तो यह है कि ये सभी धर्म मेरी शिक्षाओं से बाहर हैं और मनुष्य द्वारा बनाए रीति रिवाजों पर चलाए जा रहे हैं जैसे दूसरे धर्म चलाए जाते हैं। मोहन, तो फिर सही मायनों में क्रिश्चियन कौन होते? यीशु, जब कोई बच्चा ऐसी आयु में पहुंचता है जहां उसकी बुद्धि विकसित हो चुकी होती है और वो अपने आसपास के संसार के विषय में सोचने लगता है, तो परमेश्वर उसके मन में कुछ सवाल डालता है सृष्टि को लेकर, अर्थात आकाश और पृथ्वी को लेकर, जीवन मृत्यु को लेकर और सबकी रचना करने वाले सृष्टिकर्ता को लेकर कि कोई है जिसने सब कुछ बनाया है इत्यादि। ऐसे सवाल परमेश्वर उसके मन में डालता है। आमतौर पर यह सभी सवाल 12 वर्ष की उम्र से ही मन में आने लग जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य अपने जन्म से मिले धर्म से बाहर निकलकर इन सवालों के जवाब ढूंढे और परमेश्वर तक पहुंचे, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। मनुष्य अपने सांसारिक जीवन में ही इतना खोया रहता है कि परमेश्वर के विषय में सत्य जानने की उसकी अधिक रुचि नहीं होती। वो बस अपने धर्म के बनाए कुछ रीति रिवाजों को निभाकर सोचता है कि वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी धर्म का ही क्यों ना हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म का ही क्यों ना हो। लेकिन ये कोई सच्चा विश्वास नहीं बल्कि अंधविश्वास होता है, क्योंकि इसे जांचा परखा नहीं गया होता। मोहन, तो क्या आप कह रहे हैं कि बहुत से क्रिश्चियन केवल नाम मात्र के क्रिश्चियन होते हैं? यीशु, हाँ, बल्कि आज ज्यादातर क्रिश्चियन ऐसे ही हैं जो चर्च तो जाते हैं और अपने बनाए कई रीति रिवाजों का पालन भी करते हैं, लेकिन मेरे वचन बाइबल में उनकी अधिक रुचि नहीं होती। एक सच्चा क्रिश्चियन होने के लिए किसी को भी सबसे पहले अपने जन्म से मिले धर्म से बाहर निकलकर एक ऐसे क्षेत्र में आना होता है जो निष्पक्ष हो, यानी कि न्यूट्रल एरिया। अगर कोई क्रिश्चियन परिवार में भी जन्मा हो तो उसे भी अपने धर्म से बाहर निकलकर आना होगा, फिर उसे सच्चे मन से परमेश्वर को ढूंढना होगा। बाइबल सिखाती है यिर्मयाह 29:13 में कि जो कोई निष्पक्ष और सच्चे मन से अपने बनाने वाले परमेश्वर को ढूंढता है उसे परमेश्वर अपने बारे में सब कुछ बता देता है अलग अलग माध्यमों के द्वारा। मोहन, यीशु, एक मिनट, मुझे तो सिखाया गया है कि सभी धर्म समान होते हैं और सभी भगवान एक ही होते हैं। आप किसी भी रास्ते से जाएं, पहुंचेंगे तो एक ही परमेश्वर के पास। यीशु, अगर ऐसा है तो फिर ये देखो। यीशु उसे अखबार की कटिंग दिखाते हैं। इसमें लिखा है कि एक हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती थी, इसलिए लड़की के घर वालों ने गुस्से में आकर उस मुस्लिम लड़के की हत्या कर दी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, अक्सर होता रहता है इस देश में। अगर आज हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों से शादी करना चाहें या सिख धर्म की लड़कियां क्रिश्चियन लड़कों से शादी करना चाहें, तो तुम्हें क्या लगता है कि समाज इसको स्वीकृति देगा? मोहन, आपकी बात सही है, समाज हमेशा ऐसी शादियों का विरोधी करता है, पर मैंने कभी इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया था। यीशु, तो फिर इस बात में क्या न्याय है कि सारे धर्म और सारे भगवान एक ही हैं? क्या कुरान और बाइबल मूर्ति पूजा को स्वीकृति देता है?
नहीं देते। क्या गीता, रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब में यीशु या अल्लाह का नाम लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। क्या बाइबल और कुरान में राम, कृष्ण, हनुमान, ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन सब भगवानों के नाम लिखे हुए हैं? अगर ये सभी धर्म समान होते तो सभी भगवानों का जिक्र सभी ग्रंथों में कहीं ना कहीं तो होना चाहिए था ना। दूसरा, अगर सभी धर्म समान होते तो फिर परमेश्वर को अलग अलग धर्म बनाने की भी क्या जरूरत थी? क्या पूरी मानव जाति के लिए एक ही धर्म से काम नहीं चल जाता? मोहन, मैं ये स्वीकार करता हूं कि आज आपने मुझे ये बात अच्छी तरह समझा दी कि हर धर्म अलग है और सबकी शिक्षाएं भी अलग अलग है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सभी धर्म अलग अलग क्यों हैं? यीशु, वो इसलिए कि सभी धर्म मनुष्य ने स्वयं बनाए हैं, परमेश्वर ने नहीं। परमेश्वर का कोई धर्म नहीं होता। मोहन एकदम चौंकते हुए कहता है, क्या मैं तो समझता था कि धर्म मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ता है। यीशु, अगर ऐसा होता तो दुनिया में इतना हाहाकार नहीं होता। आए दिन आतंकवादियों के हमले नहीं होते, गोलियां नहीं चलती, बमबारी नहीं होती, संसार में इतना झूठ, मक्कारी, बेईमानी और भ्रष्टाचार नहीं होता, छोटी छोटी लड़कियों के बलात्कार नहीं होते, हत्याएं नहीं होती, चोरियां और घोटाले नहीं होते, रिश्वतखोरी, टैक्स की चोरी और कालाधन नहीं होता, स्त्री पुरुष, लड़के लड़कियों के बीच नाजायज शारीरिक संबंध नहीं होते, संसार में लोभ, अहंकार, बुरी भाषा नहीं होती, लोग अश्लील गाने नहीं सुनते और इंटरनेट पर कामुकता से भरे वीडियो नहीं देखते, लोग नशा नहीं करते और शराब पीकर अपनी पत्नियों को नहीं मारते, दहेज के लिए बहुओं को नहीं जलाया जाता। आज संसार में ये सब इतना ज्यादा हो रहा है कि यही इस बात का सबूत है कि धर्म मनुष्य को परमेश्वर से नहीं जोड़ता। आखिर ज्यादातर लोग तो किसी ना किसी धर्म से ही जुड़े होते हैं ना। क्या तुम अपने दिल पर हाथ रखकर ये कह सकते हो कि तुम इनमें से कोई भी पाप नहीं करते? मोहन एक क्षण के लिए चुप हो जाता है। यीशु की बात का उसके पास कोई जवाब नहीं होता। फिर कुछ सोचकर वो कहता है, मैं मानता हूं कि इनमें से कई पाप तो मैं भी करता हूं, लेकिन फिर क्रिश्चियन धर्म के बारे में आप क्या कहेंगे? आखिर वो भी तो एक धर्म है। यीशु, धर्म बनता है रीति रिवाजों से। आज संसार जिसको क्रिश्चियनिटी समझता है या बाहर से जो क्रिश्चियनिटी दिखाई देती है किसी भी रूप में, वो तो मात्र एक धर्म ही है जो मनुष्य ने ही बनाया है। वास्तविक क्रिश्चियनिटी तो बाहर से दिखती ही नहीं है। मोहन, मैं कुछ समझा नहीं, क्या आप जरा खुलकर बताएंगे? यीशु, वास्तविक क्रिश्चियनिटी मनुष्य के बनाए रीति रिवाजों का जोड़ नहीं बल्कि मन फिराव है, मन परिवर्तन। जिस मनुष्य को भी ये एहसास हो जाता है कि उसके अंदर किसी न किसी रूप में पाप है, तो उसके पास चुनने के लिए दो रास्ते होते हैं। या तो वो अपने पापों की परवाह किए बिना सांसारिक जीवन जीता रहे और धर्म की आड़ में छुपकर अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरी करता रहे, या फिर वो सोचे कि उसके पापों का क्या होगा जो वो रोज करता है। अगर वो सच्चे मन से अपने पापों के विषय में सोचकर पछताएगा तो परमेश्वर उसे मन फिराव का और पापों की क्षमा का मार्ग अवश्य दिखाएगा, जो केवल मैं हूं, क्योंकि मैंने ही आज से 2000 साल पहले सारे मानव जाति का दंड भुगता था ताकि मैं सबको क्षमा कर सकूं। मैं ही हूं जो हर मनुष्य से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। इसीलिए मैंने बाइबल में स्पष्ट रूप से सिखाया है कि सिर्फ मैं ही परमेश्वर हूं, दूसरा कोई नहीं। सब कुछ मैंने ही बनाया है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, स्वर्ग नर्क सब मेरे ही हाथों में है, मृत्यु के बाद मनुष्य का न्याय भी मैं ही करूंगा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। जो भी मुझे ही अपना उद्धार करता और परमेश्वर स्वीकार करेगा और मेरे बताए मार्ग बाइबल पर चलने को तैयार हो जाएगा, वो ही सही मायनों में मेरा अनुयायी होगा, वो मसीही कहलाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर मेरा नाम
यीशु मसीह था, अंग्रेजी में क्रिश्चियन, क्योंकि वो क्राइस्ट से निकलता है, जीसस क्राइस्ट से। तो क्रिश्चियन या मसीही किसी धर्म से जुड़ा नहीं होता, ये तो सिर्फ एक नाम है जो मेरे अनुयायियों की पहचान के लिए है, जैसे माँ बाप अपने बच्चे का नाम रखते हैं। हाँ, लेकिन मैं सच्चे क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं, दिखावे के क्रिश्चियंस की नहीं। मोहन चुपचाप बैठा यीशु की बातें सुन रहा था, कहने के उसके पास शब्द नहीं थे। यीशु ने उससे पूछा, क्या हुआ मोहन, तुम इतने चुप क्यों हो? मोहन, यीशु, मैं सोच रहा था कि मैं ये क्यों मान लूं कि आप ही परमेश्वर हैं, दूसरा कोई नहीं। यीशु, मोहन, मैंने तुम्हें कुछ भी मानने को नहीं कहा है, मैंने तो तुम्हें सिर्फ वो बताया है जो मैंने बाइबल में सिखाया है। अब यह तो तुम पर निर्भर करता है कि तुम सत्य की खोज करना चाहते हो या नहीं। यह तो तुम्हें सोचना है कि तुम्हारे जीवन भर के पापों का क्या समाधान है। धर्म जो सिखाते हैं, क्या उससे तुम्हारे मन को शांति मिलती है? क्या तुम्हें लगता है कि धर्म या कर्म के मार्ग से तुम्हारे सभी पाप क्षमा हो जाएंगे? क्या मनुष्य के पापों के क्षमा के लिए मेरे बलिदान में तुम्हें कोई सच्चाई दिखाई देती है? ये सब कुछ तो तुम्हें स्वयं तय करना है। जब तुम खोज करोगे तो तुम्हें बाइबल के सारे सबूत मिल जाएंगे जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मोहन, यीशु, मैं आपके पास आया था ये जानने के लिए कि मैं एक हिंदू रहकर आपकी शिक्षाओं पर चल सकता हूं या नहीं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि धर्म तो परमेश्वर ने बनाए ही नहीं, सब धर्म तो मनुष्यों के ही बनाए हुए हैं, हिंदू धर्म भी और क्रिश्चियन धर्म भी। इस हिसाब से तो लगता है कि आपकी नजर में धर्म परिवर्तन का तो कोई अर्थ ही नहीं। जब कोई धर्म ही नहीं है तो धर्म परिवर्तन का मतलब क्या रह गया? यीशु, हाँ, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने तो केवल मनुष्य को बनाया, इसलिए मनुष्य का परमेश्वर से सीधा संबंध होना चाहिए, बीच में किसी धर्म की कोई आवश्यकता नहीं। मनुष्य का परमेश्वर से संबंध तब तक नहीं बन सकता जब तक मनुष्य के सभी पाप क्षमा नहीं हो जाते, और पापों की क्षमा का एक ही मार्ग है, मेरा बलिदान क्रॉस पर, जो मानव जाति के पापों का दंड था। मैंने बाइबल में सिखाया है कि पाप की सजा नरक है, मनुष्य चाहे तो मेरे बलिदान पर विश्वास करके नरक की आग से बच सकता है। जो मनुष्य मेरे बताए मार्ग बाइबल पर चलेगा, वो इस जीवन में शांति पाएगा और मरने के बाद अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहेगा। मोहन, यीशु, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं हिंदू धर्म के भगवानों और रीति रिवाजों को मानूं और साथ में ही आपकी शिक्षाओं पर भी चलो तो उसमें क्या हर्ज है? यीशु, मोहन, तुम दो नावों में पैर रखोगे तो गिर जाओगे। हिंदू धर्म की शिक्षाओं में और मेरी शिक्षाओं में बहुत अंतर है। हिंदू धर्म कर्म को प्रधानता देता है और मैं मन फिराव को, अर्थात मन परिवर्तन को। जिसका मन सच्चा हो जाता है उसके कर्म अपने आप अच्छे हो जाते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि जिसके कर्म अच्छे हों उसका मन भी सच्चा हो। मोहन, मैं कुछ समझा नहीं। यीशु, मैंने बाइबल में सिखाया है कि हर मनुष्य के अंदर एक पाप का स्वभाव होता है जो पहले मनुष्य आदम से वंशानुगत आया, जब उसने पहली बार परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था, और इस पाप के स्वभाव के कारण मनुष्य चाहकर भी मेरी शिक्षाओं पर नहीं चल पाता। मेरी शिक्षाओं पर चलने के लिए यह आवश्यक है कि मैं, यानी स्वयं परमेश्वर, मनुष्य के अंदर स्थायी रूप से बस जाऊं, ताकि मैं हर घड़ी उसका मार्गदर्शन कर सकूं। और यह तभी हो सकता है जब मनुष्य पश्चाताप करके अपने पापों से मन फिराए और मुझसे क्षमा मांगकर मेरे बताए मार्ग पर चलने को तैयार हो जाए। तब मैं उसके सभी पाप क्षमा करके उसे पवित्र घोषित कर देता हूं और उसका टूटा हुआ संबंध मुझसे वापस जुड़ जाता है। तब मैं अपना पवित्र आत्मा उसमें छोड़ देता हूं, ताकि वो मनुष्य धीरे धीरे पापों से दूर होता जाए और मेरे बताए मार्ग पर चलना सीख जाए। मोहन, क्या आप ये कह रहे हैं कि बिना आपके पवित्र आत्मा के
कोई आपकी शिक्षाओं पर ठीक तरीके से नहीं चल पाएगा? यीशु, हाँ, बिना मेरे आत्मा के वो कुछ समय के लिए तो मेरी शिक्षाओं पर चलेगा, पर फिर से उसका शारीरिक और सांसारिक जीवन उसे वापस पाप में खींच लेगा और उसकी दशा पहले जैसे ही हो जाएगी। शारीरिक अभिलाषाओं और पाप पर विजय पाने के लिए मनुष्य को मेरे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। अपनी बुद्धि से चलकर वो ऐसा नहीं कर पाएगा। मोहन, लेकिन मेरे धर्म में तो बताया गया है कि मनुष्य परमात्मा का ही अंश होता है, परमात्मा की अभिव्यक्ति। यीशु, ये मेरी शिक्षाओं के बिल्कुल विरुद्ध है। मैं नहीं सिखाता कि मनुष्य परमेश्वर का अंश है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो संसार में इतना पाप नहीं होता जैसे मैंने पहले बताया। मैंने बाइबल में सिखाया है कि परमेश्वर सृष्टि करता है और मनुष्य उसकी सृष्टि। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में एक अटूट संबंध बन सकता है अगर मनुष्य अपने पापों से मन फिराकर अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दे तो। मोहन, यीशु, आपने आज मुझे बहुत से नई बातें सिखाई जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं एक हिंदू रहकर ही आपकी शिक्षाओं पर चलना चाहता हूं। क्या इसकी कोई उम्मीद नहीं है? यीशु, मोहन, तुम खुद ही स्वीकार कर चुके हो कि तुम एक अच्छे हिंदू नहीं हो, क्योंकि तुम्हें अपने भगवानों और शास्त्रों का ठीक ज्ञान नहीं है। फिर तुम अपने धर्म से क्यों जुड़ा रहना चाहते हो? मोहन, पता नहीं, शायद इस धर्म से मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं सालों से। यीशु, मोहन, भावनाओं से सत्य नहीं मिलता, तथ्यों से मिलता है। मोहन, शायद मेरे मन में ये सोच भी है कि मेरे पूर्वजों का धर्म गलत कैसे हो सकता है? यीशु, इसको अभिमान कहते हैं। अभिमान सत्य को दबा देता है। तुम भावनाओं और अभिमान के आधार पर सच्चे परमेश्वर को कभी नहीं पा सकोगे, केवल निष्पक्ष और सच्चे मन से ही पा सकोगे। मोहन, तो मुझे क्या करना चाहिए? यीशु, यीशु, तुम्हारे मन को टटोलने के बाद मैं तुम्हें यही सुझाव दे सकता हूं कि पहले तुम अपने शास्त्रों और अपने भगवानों के विषय में ज्ञान हासिल करो, तब तुम अपने धर्म और मेरी शिक्षाओं की तुलना कर पाओगे। उसके बाद फैसला करना। अगर तुम अपनी नाव छोड़कर मेरी नाव में आ सके तो निश्चित रूप से मेरी शिक्षाओं पर चल पाओगे, नहीं तो तुम कोशिश कर सकते हो लेकिन अधिक सफलता नहीं मिलेगी। फिर भी अगर तुम बाइबल पढ़ना चाहो तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। लेकिन याद रखना, मेरे कपड़े पहनने से तुम मेरे जैसे नहीं बन पाओगे। जब मैं तुम में और तुम मुझ में आ जाओगे तभी तुम मेरे जैसे बन पाओगे। जब तक कोई शिक्षक को स्वीकार नहीं करता तब तक वो उसकी शिक्षाओं पर भी नहीं चल पाएगा। मोहन, ठीक है यीशु, मुझे थोड़ा समय दीजिए, पहले मैं अपने धर्म की किताबों का अध्ययन कर लेता हूं, फिर आकर आपसे मिलता हूं। इतना कहकर मोहन चला जाता है। आमीन।